सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो अपनी खुद की वेबसाइट बनाना और आपका इतना बजट नहीं है कि आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर पाएँ और उनका डोमेन नेम ले पाएँ, तो गाइज आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। गाइज आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि आप बिल्कुल फ्री के अंदर अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गाइज मेरा नाम है रवि कुमार, आप देख रहे हैं वर्मा टेक आइकन यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्री मेथड बताने वाला हूँ कि आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे गूगल ड्राइव के ऊपर। सो आई होप कि आप सभी लोग को पहले से ही पता होगा कि गूगल ड्राइव क्या चीज़ है। अगर आपको नहीं पता तो गूगल ड्राइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको 15 GB का क्लाउड स्टोरेज मिलता है, जिससे आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी अपना पर्सनल डेटा इसके ऊपर रख सकते हो सिक्योर, ठीक है। और इसकी सिक्योरिटी आपको गूगल प्रोवाइड करवाता है, तो कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपको अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है गूगल ड्राइव के ऊपर, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ड्राइव को ओपन कर लेना है इस लिंक के जरिए। इस लिंक के जरिए आपको इस गूगल ड्राइव को ओपन कर लेना है। इस लिंक को आपको मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको नया अकाउंट बना लेना है अपना। मैंने अपना नया अकाउंट बना लिया इसके ऊपर। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपना पर्सनल जो अकाउंट है इसके ऊपर यूज ना करें। न्यू फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। अपने जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम देना चाहते हो उस नाम से आप फोल्डर को बना लेंगे। तो मैं जल्दी से अपना फोल्डर बना लेता हूँ। हाँ, मैंने वर्मा टेक आइकन अपने चैनल के नाम पे ही इस फोल्डर को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपको अपना फोल्डर को आपको क्रिएट कर लेना है। जस्ट आपको इसको ओपन करना है, फिर आपको उस फोल्डर पे जाना है जहाँ पे आपकी जो फाइल पड़ी है, वेबसाइट की फाइल है, उसको आप यहाँ पे ड्रॉप कर दें, ठीक है। तो आपकी फाइल को यहाँ पे आप जैसे ड्रॉप करोगे कुछ टाइम बताएगा आपको आपकी, वो डिपेंड करता है कि आपकी फाइल जो है वो कितनी बड़ी है, ठीक है। उस पे आपका टाइम भी लग सकता है ज़्यादातर, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से फाइल्स को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। इतना कुछ करने के बाद आप सभी को एक चीज़ और करनी है। आपको एक और वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है ड्राइव टू वेब, ठीक है। इसका भी लिंक आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा और आप इस पे पहुंच जाओगे। ये वेबसाइट आपको होस्टिंग प्रोवाइड करवाती है और इसके अंदर आप सभी को काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। ड्राइव जो होती है हमारी विंडोज़ 10 के अंदर एक प्री इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज का एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है वन ड्राइव। तो हम गूगल ड्राइव का यूज़ करेंगे होस्टिंग लेने के लिए। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। हमें अपने अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और उसी अकाउंट को सिलेक्ट करना है जिस अकाउंट को हमने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। तो हम इस पे आते हैं और आपसे ये अपनी जो गूगल ड्राइव है उसका सारा का सारा डाटा एक्सेस करने की ये परमिशन मांग रहा है, तो हमें इसको अलाउ कर देना है। जैसे ही हम इसको अलाउ करेंगे ये कुछ लोडिंग लेगा। मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, हमसे गलती हो चुकी है। हमने अपने फोल्डर को तो बना लिया लेकिन उसको हमने पब्लिक नहीं किया है। तो इस प्रोसेस को करने से पहले आपको इस फोल्डर को लिंक क्रिएट करना होगा पब्लिकली, ठीक है। इसका हम पब्लिक लिंक बनाएंगे अभी। सो फ्रेंड्स, इसका हमें पब्लिक लिंक बनाने के लिए हमें इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना होगा, ठीक है। हमें इसका पब्लिक लिंक बनाना है ताकि हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर पाएँ इस वेबसाइट के ऊपर। तो जैसे ही हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो हमें इस ऑप्शन में से शेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम शेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और इस ऑप्शन के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे एनीवन विद द लिंक के ऊपर आप सभी को क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे हमारा जो शेयर एबल लिंक जो है वो क्रिएट हो जाएगा और इस लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं और डन के ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है। हमारा लिंक जो है वो क्रिएट हो चुका है, पब्लिकली क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। हम इस वेबसाइट को रिलोड करेंगे ताकि हमारा जो लिंक है वो इसको मिल पाए और ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर पाए। जैसे ये वेबसाइट अपना प्रोसेस करती है तो हमें ये लिंक क्रिएट करके देगी जो कि हमें
इसने अभी तक क्रिएट कर दिया है। हाँ कर दिया है। तो इस वेबसाइट को, इस जो हमारी वेबसाइट थी उसका लिंक इसने सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। हम जैसे इस लिंक पर क्लिक करते हैं, हमारी वेबसाइट जो है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी और हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। देखिए गाइस, टाइटल के अंदर माय स्कूल आ चुका है और ये जो मेरी वेबसाइट है वो सक्सेसफुली होस्ट हो चुकी है। आपको प्रूफ देने के लिए इस वेबसाइट का लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद इस वेबसाइट के लिंक को मैं हमारे जो प्राइवेट विंडो है इनकॉग्निटो मोड के अंदर मैं इसको खोलता हूँ। तो इस मोड को हम खोलने के बाद अपनी लिंक को इसके ऊपर मैं पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करूँगा और हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट बिल्कुल आराम से ओपन हो चुकी है और हमने अपनी वेबसाइट को गूगल ड्राइव के ऊपर होस्ट कर दिया है। तो इस जो आपकी वेबसाइट है इसकी सिक्योरिटी आपको गूगल प्रोवाइड करता है। HTTPS यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो कैसी लगी वीडियो फ्रेंड्स, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको इसी प्रकार के कंटेंट में आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर देना, मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।